हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हर इंसान के अंदर कोई ऐसी खूबी या खूबसूरती होती है जो शायद उसे खुद नहीं समझ आती, पर और लोगों को वो पसंद होता है। कई बार होता है कि आपको अपने बाल पसंद नहीं है पर दूसरे को है, आपको अपनी स्किन पसंद नहीं है पर दूसरे को है। इसी तरह से आपके हाव भाव में आपको शायद अपनी कुछ हरकतें अच्छी लगती हैं, नहीं लगती हैं, पर औरों को उसी पे फिदा होना अच्छा लगता है। आपके चेहरे, आपकी स्किन, मतलब आपकी ब्यूटी और आपके हाव भाव को देख कर लोगों को क्या अंदाज़ा लगता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं आपको जब देखते हैं। आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। What do people figure out about you when they see you or when they talk to you? Your postures, your behavior patterns, what impressions are created? क्या लोगों को महसूस होता है जब वो आपको देखते हैं? ये पूरा एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर रिलेटेड है, एक्सटर्नल लुक्स के ऊपर रिलेटेड है ये रीडिंग। बिल्कुल इसमें आपका नेचर मतलब कैसा है या आपका दिल कैसा है ये उस पर नहीं है। आपको देखकर लोग क्या अंदाजा लगाते हैं या लोगों को आपके अंदर कौन सी चीजें खूबसूरत लगती हैं, आपके हाव भाव में, आपके लुक्स में क्या है जो उनको इंप्रेस कर जाता है, जो शायद आपको भी ना पता हो। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं आपके हाव भाव, आपके लुक्स में लोगों को क्या इंप्रेस कर जाता है। एक तो अगर 1, 2, 3, 4 ये कार्ड्स को हम एनालाइज करें तो यू कम अक्रॉस एज अ वेरी ग्रेसफुल पर्सन। फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपका जो एक अंदाज है, आपका जो पर्सोना है, दैट इज वेरी ग्रेसफुल। आप बहुत ही ग्रेसफुल लगते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके बाल, आपकी स्किन, आपका बॉडी का अपर पार्ट काफी, मैं बोलूंगी, रुष्ट पुष्ट है। आप हेल्दी लुक्स है आपके, चमकदार है आप, लोगों को आपसे बहुत आकर्षण होता है जब आपको वो देखते हैं। स्पेशली जब इनिशियल स्टेजेस में आपसे लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, धीरे धीरे जब आपको जानने लगते हैं तो वो चीज़ें सबसाइड हो जाती है। लेकिन जब आपको नया नया लोग जानना शुरू करते हैं या देखते हैं, आपकी स्किन, आपके बाल और अपर पोर्शन ऑफ योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। फिर चाहे आप मेल हैं या फीमेल, अगर आप मेल हैं तो आपकी एक जो इमेज एकदम से सबको लगती है ना, दैट इज अ फाइटर स्पिरिट, काफी लड़ाका किस्म के आप लगते हैं। आप मैस्कुलाइन भी होंगे, अगर आपकी हाइट ज्यादा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है काफी मैस्कुलाइन होगा और इससे लोग इंप्रेस भी होते हैं और थोड़ा आपसे दूरी बनाना भी पसंद करते हैं कि कहीं आपको किसी बात पर अगर गुस्सा आ गया तो आपके साथ उनको निपटना मुश्किल हो जाएगा। कुछ इस तरह की आपकी फियर्स पर्सनैलिटी लोगों को फील होती है जब आपको नया नया देखते हैं या जानना शुरू करते हैं। ये आपके लुक्स की वजह से, जो आपकी आंखों में एक खूंखार एक लुक होता है। मैं ये नहीं कहती आप डरावने हैं, लेकिन आपकी नज़र में कुछ बोलते चीते जैसी नज़र है, चीते जैसी, एकदम अजीब सी, बिल्लियों जैसी, कि लोगों को आपसे एकदम से पहले तो डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये वो रियलाइज करते हैं, यू आर अ वेरी लविंग पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स,
टू ऑफ कप्स, यू कम अक्रॉस एज अ वेरी बैलेंस्ड एंड लविंग पर्सन, लेकिन वो सब उनको बाद में महसूस होता है, लेकिन पहले आपको, इसलिए मैंने कहा ये आपके लुक्स की बात हम कर रहे हैं, आपके लुक्स से कुछ और लोग समझते हैं और जानने के बाद शायद आपको थोड़ा अलग ही पाते होंगे। तो अगर आप फीमेल है, जैसे कि मैंने बताया आपकी स्किन, आपके बाल, काफ़ी आप अपने आप को रख रखाव वाले पर्सन हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, आप अपनी लुक्स पे, अपने ड्रेसिंग पे, अपने मेकअप जो होता है पूरा उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जहाँ महफिल हो लोगों की, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो, आप पर नज़र खास रहती है लोगों की, क्योंकि आपका बिहेवियर ही ऐसा है, आपका रख रखाव ही ऐसा है कि लोगों का जो ध्यान है वो आप पर ही रहता है। अगर आप किंग ऑफ कप्स, वर्ल्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, इस सबको देखते हैं तो आपकी एक जो लुक्स है वो बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही आपकी जो पर्सनालिटी है ना तेजस्वी लगती है लोगों को। आपको शायद आप इसको अंडर एस्टिमेट करते हो खुद की पर्सनालिटी को, या आपने इतना गौर ना किया हो, लेकिन औरों पर आपका प्रभाव कुछ इस तरह का पड़ता है, दैट यू आर वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, एक मैजिशियन लुक है आपका जो लोगों को बहुत आपसे इंटरेस्ट भी करता है और थोड़ा सा लोग आपसे घबराते भी है। मुझे लगता है ये बहुत सही है, लोगों को थोड़ा आपसे इनिशियल स्टेज पे डर लगे वो सही है, इससे आप बहुत ज्यादा सेफ रहते हैं। काफी लोगों के लिए आप आइडियल लाइफ पार्टनर हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स, मैनी पीपल विश के आप उनके लाइफ पार्टनर होते या हो जाओ होते, क्योंकि अगर आप टेकन अवे हैं, यू आर ऑलरेडी मैरिड और इन अ रिलेशनशिप, तो सिर्फ आपके ख्वाब ही देख सकते हैं लोग, लेकिन अगर आप सिंगल हैं, अभी आप अपने पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो यू आर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अ स्पिंस्टर एज पर द कार्ड्स। लोग आपको अपना लाइफ पार्टनर फील करते हैं, मतलब आपके जैसे ही अगर लाइफ पार्टनर, आपके जैसा लाइफ पार्टनर हो तो और चाहिए ही क्या। आपकी पर्सनैलिटी लुक से एक चीज समझ आती है, आपको धोखा देना आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया बहुत ही लड़ाका आपकी पर्सनैलिटी है, इन द सेंस मैं इसे नेगेटिव नहीं ले रही हूँ फ्रेंड्स, लड़ाका पर्सनैलिटी होना बिल्कुल भी नेगेटिव चीज नहीं है, वो तो डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत फियर्स है, जिसकी वजह से लोग ये तो जानते हैं आपको चीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है या बहुत मुश्किल है। जिन लोगों से आपकी दोस्ती नहीं है, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं वो आपके साथ जुड़ना बहुत पसंद करते हैं, थ्री ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं है किसी भी वजह से, तो वो आपसे जुड़ना बहुत पसंद करते हैं। आप ये तीनों कार्ड्स को ऑब्जर्व कीजिए, दे वॉन्ट टू बी विद यू, दे वॉन्ट टू बी इन योर कंपनी, दे बींग एंजॉय बींग इन योर कंपनी। जैसे जैसे लोग आपको जानने लगते हैं ना, हाँ, यू कम अक्रॉस एज अ वेरी जेनरस पर्सन। और यस, आपके लिए एक और चीज जो लोग महसूस करते हैं, आपसे इंप्रेस होते हैं, आपको सिर्फ देखने भर से, कि कोई भी लाइफ में टावर मोमेंट आए, आप उसमें डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं, तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी बहुत इंप्रेस करती है लोगों को। दैट्स व्हाई पीपल वांट टू बी विद यू, उनको लगता है आपके साथ होने से वो भी सेफ होते हैं। आपके साथ लोग इसलिए जुड़ना पसंद करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है आप इनके लिए स्टैंड लेंगे, आप में वो चीज है कि आपकी बात लोग सुनते हैं, आपको लोग नोटिस करते हैं, या वेरी नोटिसेबल, इसकी वजह से लोग आपसे आकर्षित होते हैं। तो मैंने आपको ये सब आइडिया दिया है एज अ फीमेल और एज अ मेल या कंबाइंड, लोगों को आप में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। ये बात तो तय है, जिनसे आप दूर रहते हैं वो आपके पास किसी ना किसी तरीके से आने की कोशिश करते हैं, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे, डेफिनेटली आपके माइंड में ये बातें आ रही होंगी कि हाँ, लोग ऐसा करते हैं। जब आप किसी को नज़रअंदाज करते हैं या किसी को लाइक नहीं करते, दे वॉन्ट टू बी इन योर गुड बुक्स, कुछ ना कुछ वो ऐसा करते रहेंगे कि आप उन्हें पसंद करें। तो ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही काबिले तारीफ है, आपके जो लुक्स है हो सकता है जो रियलिटी हो इससे थोड़ी अलग हो, लेकिन मैंने यही कहा कि लोगों को आपको देखकर, आपके हाव भाव को देखकर
किस तरह से आप अपने हाव भाव रखते हैं, आपके चेहरे पे, आपके हाथों के जो मूवमेंट्स है, आपकी जो ड्रेसिंग है, आपके जो लुक्स हैं, उसकी वजह से आपका ओवरऑल इम्प्रेशन किस तरह का लोगों पे पड़ता है। हो सकता है बहुत ही नाजुक दिल के हों, सॉफ्ट हार्टेड हों, लेकिन इम्प्रेशन आपका थोड़ा अलग पड़ता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो कार्ड्स पे जो आया है मैंने आपको सिर्फ वही बताया है, तो जो भी आया है मुझे तो बेहतरीन लगा, बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक लगे हैं आप मुझे, और यू आर ड्रीम पर्सन ऑफ मैनी मैनी मैन एंड मैनी मैनी वेमेन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अफर्मेशन लिखना ही है तो आप ज़रूर लिखिए, आई एम बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। ये अगर आप लिखेंगे, कुछ ना समझ आए, एक सिंपल येस लिख दीजिए या आप लिख दीजिए आई क्लेम दिस रीडिंग, आपका काम हो गया। चलो फ्रेंड्स, आपसे इजाजत लेती हूँ, आपकी फ्रेंड मधुरा। बाय बाय, सी यू ऑल, बाय बाय।